नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24 न्यूज चैनल आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। कार में रहे औरैया के विधायक मदन लाल गौतम के अवैध रेस्टोरेंट को ढा दिया गया। ये भू माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार के चलाए जा रहे अभियान के तहत हुआ। देखिए रिपोर्ट। दावे की तोड़फोड़ की जा रही है, ये सर क्यों और किस संबंध में की? जनपद औरैया में अवैध अतिक्रमण और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये एक किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया हुआ था, इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है। इसके अलावा अभी दो जगहें और हैं जहां ये टीम जाके आज ध्वस्तीकरण का काम करेगी। कहां कहां पे सर चलना है अभी? अजीतमल क्षेत्र में एक वन विभाग की जमीन है जिसपे अवैध कब्जा है जी। इसके अलावा पास में ये गेस्ट हाउस है जहां अवैध कब्जा किया हुआ है। दोनों जगहों पे अभी ये टीम कार्रवाई करेगी। आज दिन भर ये काम चलेगा। पूरे महीने में अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने का एक अभियान चल रहा है। जनपद भर में ऐसी सभी जगह जहां पे अवैध निर्माण है या अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और जो माफिया इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर थैंक यू। ये जो निर्माण ढाया जा रहा है, ये होटल ढाया जा रहा है, ये किस संबंध में ढाया जा रहा है? ये पीडब्ल्यूडी की जमीन है, लोक निर्माण विभाग की जमीन पर एंटी भूमाफिया के तहत केस दर्ज किया गया था और ये अवैध अत्यासी थे, इसके लिए गिराया जा रहा है। ये किसका ढाबा चल रहा था यहाँ पे? पूर्व विधायक मदन सिंह गौतम का बताया जाता है। ये सर कब से कार्रवाई शुरू की गई? ये कार्रवाई एंटी भूमाफिया अभियान के तहत, माननीय मुख्यमंत्री जी के अभियान के तहत प्रारंभ की गई है। 15 दिन का नोटिस दिया गया था।